दोस्तों कैसे एक इंसान ने बचाई एक मगरमच्छ यानी क्रोकोडाइल की जान, जिसके बारे में जान के ना आप भी हैरान रह जाओगे। दरअसल ये घटना है सेंट्रल अमेरिका कोस्टा रिका की, जब चीटो नामक एक मछुआरी यानी एक फिशरमैन को नदी के किनारे एक मगरमच्छ पड़ा हुआ दिखता है, जिसे किसने सिर पर गोली मारी थी, जिसके कारण वह नदी के किनारे पड़ा हुआ था। जिसके बाद चीटो और उसके दोस्त मिलकर उसे सही करने के लिए बोट में रखकर लेके जाते हैं और आखिर में चीटो उसे दवाई देकर और खिला पिलाकर सही कर देते हैं और उस मगरमच्छ का नाम पोचो रखते हैं। तो पूरी तरीके से सही होने बाद चीटो उसे 6 महीने बाद जंगलों के गहरे पानी में छोड़ देते हैं, जिसके बाद पोचो कुछ समय बाद चीटो के घर में वापस लौट आता है और ये सिलसिला चलते ही रहता है। तो चीटो उसे अपने घर के सामने के एक तालाब में रखते हैं, पर कुछ समय बाद चीटो और पोचो की इतनी गहरी दोस्ती हो जाती है ना कि चीटो पोचो के साथ पानी में खेलने लगता है और आने वाले टूरिस्टों को करतब दिखाने लगते हैं। और कुछ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट का यह मानना था कि पोचो के सिर में गोली लगने के कारण उसका व्यवहार इंसान के प्रति बदल गया है, क्योंकि मगरमच्छ कोई भी हो इंसानों पर हमला करता ही है। और 23 साल बाद पोचो और चीटो अलग हो जाते हैं, क्योंकि 2011 में पोचो की मौत हो जाती है।